अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे। और जैसे ही मेरे पास कोई ब्रेकिंग न्यूज़ आती है, मैं बेताब हो जाता हूं कि वो खबर आप तक पहुंचाऊं। मगर आजकल व्यूअरशिप बड़ी माठी जा रही है जनाब। बड़ी ही ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आपके लिए आया हूं कि पीसीबी ने एक आज़ादाना पैनल बना दिया है जो रीजनल क्रिकेट की सिलेक्शन होगी। उसमें नाम बड़े हैरान कुन भी हैं और कुछ सरप्राइजिंग भी हैं। जी हाँ, आज़ादाना पैनल में मिसबाह-उल-हक, राशिद लतीफ़ और नदीम खान, जिनका नाम मैं कई बार ले चुका हूँ कि वो पीसीबी के दायरे में आएंगे, मगर मोइन खान को दूर रखा जाएगा जो उनके भाई हैं। तो जनाब, ये तीन लोग आज़ादाना पैनल है और ये लोग रीजनल की फर्स्ट क्लास की टीमें और सेकंड 11 की टीमें मुंतखब करेंगे। और इन्हीं को इस्तेहकाक दिया गया है कि ये लोग मिलकर कप्तान भी अपॉइंट करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या राशिद लतीफ़ को मुस्तकबिल में भी कोई ड्यूटी दी जा सकती है? तो दी जा सकती है। ही इज़ ऑनेस्ट, ही इज़ थोड़ा सा जहाँ डिसऑनेस्टी हो वहाँ पर वो थोड़ा सा अपने मौक़िफ़ पर डट जाते हैं। नदीम खान की रैप भी बहुत अच्छी है एज ए मैनेजर, ही इज़ वेरी गुड मैनेजर। और अब लग रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है उसकी बाग दौड़ जो है वो चंद अच्छे लोगों के हाथों में जा रही है। और मुझे तो अगर ज़ाती तौर पर पूछें, अगरचे ये पीसीबी ने आज़ादाना पैनल बनाया है रीजनल क्रिकेट की फर्स्ट 11 और सेकंड 11 मुंतखब करने के लिए और उनके कप्तान नायब कप्तान मुंतखब करने के लिए, मगर मुझे मेरी जो क्रिस्टल बॉल है वो पता नहीं क्यों बता रही है कि शायद आगे चलकर इन्हीं लोगों पर सिलेक्शन कमेटी जो है वो पीसीबी की वो इन्हीं लोगों पर मुश्तमिल हो। साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ ने ये कहा है कि हम अपना काम पूरी ईमानदारी से करेंगे, पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है और उनकी पूरी कोशिश होगी कि वो उन खिलाड़ियों को मुंतखब करें जो बासलाहियत हैं, जो नौजवान हैं और जो लंबा अरसा कौमी क्रिकेट टीम के लिए आगे चलकर या पाकिस्तान क्रिकेट के लिए काम आ सकते हैं। और जो वसीम खान है एमडी, उन्होंने भी ये कहा है कि आज़ादाना पैनल हमने इसलिए तरतीब दिया है ताकि किसी को कोई शकूक व शुबहात ना रहें, ताकि रीजनल सदूर जो हैं वो अपनी इंटरफेरेंस ना कर सकें और ट्रू मेरिट पर काम हो। तो जनाब, ब्रेकिंग न्यूज़ आज थी मेरे पास पहुंची और मैंने कहा फौरन अपने नाज़रीन तक पहुंचाऊं। तो जनाब, राशिद लतीफ़, मिसबाह-उल-हक और नदीम खान मिलकर पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट की टीमें मुंतखब करेंगे और उनके कप्तान और नायब कप्तान भी मुंतखब करेंगे। बहुत अच्छा इकदाम है पीसीबी का, इससे वही खिलाड़ी सामने आएंगे जो के हकदार हैं और जो मेरिट पर हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि इन अफराद की मौजूदगी में कोई रीजनल कोचेस या जो सदूर हैं उनका कोई सफारशी खिलाड़ी खेल सकेगा, कोई बुड्ढा बाबा खेल सकेगा, कोई पैसे देकर खेल सकेगा। अब ऐसा होता मुमकिन नज़र नहीं आता। मैं पीसीबी को इस ज़बरदस्त इकदाम पर मुबारकबाद पेश करता हूं और आपसे इजाज़त चाहता हूं। अल्लाह हाफ़िज़।